नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। देश भर में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ने लग गए हैं, जिसको लेकर सरकार की कोशिश है कि कोई भी शख्स बगैर वैक्सीन के ना रहे। इस कारण तेजी से वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। तो वहीं वैक्सीनेशन को लेकर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बड़ा दावा किया। आखिर क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम ने, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। वहीं सरकारें लगातार इस कोशिश में लगी हुई हैं कि कोई भी टीकाकरण के बिना न रह जाए। इसी बीच यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश में टीकाकरण को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि यूपी में वयस्कों के कोरोना टीकाकरण का काम 100% पूरा हो गया। जी हां, सही सुना आपने, डिप्टी सीएम और यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि यूपी में वैक्सीनेशन 100% पूरा हो गया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। जिसकी जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार काम हुआ है, प्रदेश में 100% टीकाकरण हो चुका है और अब हम तेजी से बच्चों का टीकाकरण कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश में वैक्सीनेशन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। यहां 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। वहीं 35,22,576 लोगों को प्रिकॉशन डोज भी दी जा चुकी है। प्रदेश में अब 12 से 17 साल के बच्चों को भी वैक्सीन की डोज तेजी से लगाई जा रही है। वहीं इसके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था काफी बेहतर है, इस वजह से उद्योग और व्यापार को सहारा मिला है। गोमती नगर में एमएसएमई सम्मेलन को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि अब सिंगल विंडो सिस्टम लागू होने से उद्यमियों को काफी मदद मिली है। उद्यमियों को संबोधित करते हुए उन्होंने 2017 के बाद से आए बदलावों को गिनाया। भाजपा सरकार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते खोले हैं, अब एनओसी के लिए भटकना नहीं पड़ता। सरकार कारोबारियों उद्यमियों की पूरी मदद कर रही है। माफिया और अपराधी प्रदेश छोड़ चुके हैं, इसी वजह से यूपी में निवेश भी बढ़ा है। बहरहाल कोरोना काल में यूपी ने कई उपलब्धियां अपने नाम की। सीएम योगी के कुशल नेतृत्व के कारण यूपी ने कोरोना की लड़ाई में जबरदस्त प्रदर्शन किया और अब 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल किया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।